सम्मानीय मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और ये आज के कार्यक्रम में सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस मंच पे आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आप सबको याद है कि मैं खास कवि हूँ, तो कुल मिलाकर की बात ऐसी है कि बात कुछ भी नहीं है और जो बात है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हम हमारे पिताजी के पास गए, हमने पिताजी से कहा पिताजी हम धरती पे क्यों आए, तो पिताजी हमसे कहने लगे कि बेटा तुम्हें पाने के लिए हमने बहुत पापड़ बेले, हालांकि तुम्हारे वो जो पापड़ बेले हैं वो तुम्हारी बुआ खा गई है, हालांकि उन पापड़ बेलने की वजह से तुम यहाँ आए हो। तो हमें लगा यार कि हमें पाने के लिए आपने इतने पापड़ बेले। तो उसके बाद हम हमारी मम्मी के पास गए तो मम्मी से बोलना कि मम्मी मैं काला क्यों हूँ, तो हमारी मम्मी बोली कि जिस दिन हमने और हमारे पिताजी ने पापा हमारे जो पिताजी हैं उनके साथ उन्होंने पापड़ बेले थे तो क्या हुआ उस दिन हमारी लड़ाई हो गई, तो हम मायके चले गए और पापड़ धूप में रखे रहे 15 दिन तक, वो सूखते रहे और वो काले पड़ गए, इसकी वजह से वो तुम काले हो गए। आप सबकी तालियां चाहता हूँ कि प्रोत्साहन देते रहे आपके आशीर्वाद से एक आज का कार्यक्रम सफल हो। तो एक ऐसी घटना मेरे साथ होती रहती है, अभी की घटना बताता हूँ। अभी मैं आ रहा था बाहर से तो मुझे दो लड़कियां मिली और मुझसे कहने लगी कि चश्मा लगाता है तो गधा नजर आता है, तो मैंने कहा मैं ना लगाऊं तुम गधी नजर आओ, मेरी अलग प्रॉब्लम है, अब उनको क्या बताऊं। ऐसी घटनाएं होती रहती है। अभी जैसा बताया गया कि हमारे जो नरसिंहपुर के कलाकार हमें हमारे प्रकाश भैया हैं वो कुमारों को बोल रहे थे, तो ये कुमारे क्यों रह गए, चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ जरा सुनिएगा कि आंखों से तीर अगर मारे नहीं होते, आंखों से तीर तुमने अगर मारे नहीं होते, फूटी किस्मत के सितारे नहीं होते, और लग जाती कहीं पे अगर सरकारी नौकरी तो तुम अभी तक कुमारे नहीं होते। समस्या है यदि सरकारी नौकरी लग जाती तो अभी तक कुमारे नहीं बैठते। फिर इसके बाद एक हमारे दोस्त हैं, हम 20 की ऊंचाइयों को पा रहे हैं जो 30 पार कर चुके हैं और अभी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम एक बार उनके पास गए तो हमने बोला कि आप 30 पार कर चुके हैं आप शादी कर लीजिए, तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि समुन्दर का कभी किनारा भी आएगा, भक्त का क्या है हमारा भी आएगा, समुन्दर का कभी किनारा भी आएगा, भक्त का क्या है हमारा भी आएगा, दिन रात पढ़ रहे हैं इसलिए कि लग जाए नौकरी, किसी बेचारी के नसीब में बेचारा भी आएगा। सबकी अपनी अपनी समस्याएं। वो ये एक बार क्या हुआ, हमारे पिताजी हमसे कह रहे थे कि गांव में बेटा गंदी फिल्म लगी है वहां तुम देखने मत जाना, क्योंकि वहां तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो तुमने आज तक नहीं देखा होगा और यदि तुम जाओगे तो बहुत पछताओगे। तो फिर जिस दिन वो फिल्म लगी तो मैं वहां पहुंचा तो सबसे पहले मुझे हमारे पिताजी देखने को मिले। जब मुझे याद आया कि पिताजी ने कहा था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो कभी देखा नहीं होगा और उसके बाद उन्होंने मेरी पिटाई की, जो बाद में पछताया भी, लेकिन मैंने कहा पिताजी ये सब तो ठीक है लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप वहां पे क्या कर रहे थे, बोले मैं तुम्हें देखने आया था। ऐसी घटनाएं होती रहती है साथ। और चार पंक्ति निवेदन करता हूँ, आप सुनिएगा कि एक छंद आपके समक्ष रखता हूँ कि प्रेम का रोग लगा हमको, हम चाहते भी तो छुड़ा नहीं पाए, प्रेम का रोग लगा हमको, हम चाह के भी तो छुड़ा नहीं पाए, दूर से देख रहे तुमको, हम चाह के भी तो भुला नहीं पाए, नैन निहार रहे तुमको, हम नैन के दुख से नहीं पाए, नैन निहार रहे तुमको, हम नैन के दुख से नहीं पाए, कह तो दिया हमने सब कुछ पर जो कहना था वो कह नहीं पाए। आपकी तालियां अपने प्रोत्साहित करती रहे, ऐसी मैं अपना काफी पाठ करता रहूंगा। और एक बार क्या हुआ कि हमारे मित्र
एक बार खूब शराब पी ली और रात को जा रहे थे, तो उसके बाद एक बार क्या हुआ कि रास्ते पे जाते जाते वो हमसे कहने लगे कि अरे नगरपालिका वाले भी नाले को रात को बीच में रख देते हैं। फिर एक हमारे ऐसे ही डीएम पहले जैसा होटल था, तो वहां पहुंचे तो मेरे दोस्त कहने लगे हमसे, अरे गिलास की तो पहनी ही नहीं। ऐसी घटनाएं होती रहती है, आपकी तालियां मिलती रहे तो मैं अपना कारोबार करता रहूंगा। और आपको बताता हूँ कि मैं राम भगवान पे कुछ संग है, उनको आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कार्यक्रम का प्रारंभ चल रहा है तो भगवान का नाम लेना जरूरी है, तो कुछ संग आपके समक्ष रखता हूँ कि राम गए तो गए वन में, पर संग गई जनक दुलारी। राम गए तो गए वन में, पर संग गई जनक दुलारी। वचन दिया रही सर पर, बहान गई ना सर से उतारी। जाकर हाल न पूछ सके किस हाल में अवध बिहारी। जाकर हाल न पूछ सके किस हाल में अवध बिहारी। जाकर हाल न पूछ सके किस हाल में अवध बिहारी। वचन के बंधन बांध लिए जो है बंधन के तारनहारी। चंद सुनिए कि अवध के राज कुमार यहाँ व्याकुल है, यहाँ कोई पास ना आए। फूल डाली के बैसे रहे, ना गिरे ना खिले ना मुरझाए। मौन खड़े श्री राम बही, सरयू उसी ओर को नीर बहाए। भूल गए अवधवासी या उनको श्री राम भुलाए। भूल गए अवधवासी या उनको श्री राम भुलाए। और एक हमारे मित्र हैं, तो क्या हुआ कि बहुत देर बारिश हो रही थी, तो वो हमसे कहने लगे, बहुत चिंतित थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप चिंतित क्यों हैं, तो वो हमसे कहने लगे कि यार मेरी पत्नी मेले में शॉपिंग करने गई है, तो उसकी चिंता हो रही है। मैंने बोला इसमें चिंता ही क्या बात है। बोले बारिश आ रही है और मेरे को इतनी चिंता हो रही है कि क्या बताएं। मैंने बोला क्या चिंता है मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि जब बारिश होने लगेगी तो किसी भी दुकान पर रुक जाए, और दुकान में जाए तो चले लेकिन वहां जाके उधारी कराती है। फिर तो मैंने कहा एक उधारी करना क्या आप चुका देना। अरे बोले वो नंबर दे के आ जाती है कि ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी, तो समस्याएं खड़ी हो जाती है, ऐसा रहता है। इस चार लाइन में निवेदन करता हूँ कि पहले थे शिकार अब शिकारी हो गए, पहले थे शिकार अब शिकारी हो गए। मानो गणेश जी की सवारी हो गए, जब से गई है टीवी मॉल में शॉपिंग करने तब से हम बेकारी हो गए। आपकी तालियां मिलती रहे तो काफी बात आगे बढ़ेगा, और ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। समय की हमें भूमिका बता दी कि समय आपका नहीं लेना है, हमारा समय मत दीजिए, हम आपका समय ले लेंगे। तो इसी के साथ मैं चाल लाने पड़ता हूँ कि हमारे में तो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनका अगले दिन पेपर था, और अगले दिन पता चला कि पेपर लीक हो गया, तो हमने चार पंक्तियां उनको पढ़ाई, उनको दी। सुनिएगा चार पंक्तियां कि शिक्षा के दलाल आपके ढीठ हो गए। सुनिएगा जरा ध्यान से चार पंक्तियां, और आपकी पंक्तियां पढ़ रहा हूँ और मैं अपना स्थान लूंगा कि शिक्षा के दलाल आपके ढीठ हो गए। नकाब पहने हुए सब शरीफ हो गए, यदि आप भी शरीफ हैं और हम भी शरीफ हैं तो ये पेपर कैसे लीक हो गए। आपकी तालियां चाहता हूँ कि शिक्षा के दलाल अपने ढीठ हो गए, पहने हुए नकाब सब शरीफ हो गए, यदि आप भी शरीफ हैं और हम भी शरीफ हैं तो ये पेपर कैसे लीक हो गए। और आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी आ रहा था तो मेरे को एक भाई मिले, वो कह रहे कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छे से जाना, वो बोले चार दिन पहले गाड़ी चोरी हो गई। मैंने बोला मैं गाड़ी लेके नहीं जा रहा। ऐसी घटना होती रहती है। और आज भगत सिंह हमारे बहुत बड़े
देशभक्त और स्वर्ग पिता लता मंगेशकर जी की पुण्य स्मृति में ये कार्यक्रम है। तो चार लाइनें पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं स्थान लेता हूँ।